अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो आम आप देख रहे हैं दोस्तों, ये अनवर लटोर की एक किस्म है और ये कलमी आम है दोस्तों। ये जो आम है बहुत ही खूबसूरत आम है और ये रस भरा आम होता है और खाने के काबिल होता है और बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार होता है दोस्तों। ये देखें, इसे अनवर लटोर कहते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी वैरायटी होती है। और इन इसकी वैरायटियां जो होती हैं वो दो तीन वैरायटियां होती हैं। एक लेट अनवर लटोर होता है 12 नंबर, वो तकरीबन सितंबर के आखिर में जो है वो पकता है। और इसकी एक जो है वो अगेती नस्ल है और ये इसे मौसमी अनवर लटोर कहते हैं। और ये भी खाने के काबिल होता है और इसका जायका जो है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे एक आम पका हुआ भी है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखें दोस्तों, ये आम पका हुआ है और अक्सर आम तो कच्चे हैं। ये देखें, ये थोड़ा नरम भी है, ये पका हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट्स दें, लाइक करें और शेयर करें। और हमारी आने वाली हर नई वीडियो के लिए आप आइकॉन बेल प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। ये देखें, यहाँ पे ज़बरदस्त फल लगा हुआ है और आपको दिखा रहे हैं। ये अनवर लटोर की वैरायटी है और बहुत ही बड़ा जो है ये दरख्त है पेड़ का, आम के पेड़ का। ये ज़बरदस्त, ये जूम करके आपको दिखा रहे हैं, ऊपर जो है वो ज़बरदस्त फ्रूट लगा हुआ है। तो दोस्तों, ये पंजाब का मैदानी इलाका है और आम का ख़ास तौर पर जो है वो ये आम का इलाका है। और यहाँ पर आम की काफ़ी सारी नस्लें होती हैं, देसी भी होती है, कलमी भी होते हैं और बहुत सारी किस्में यहाँ पे ये उगते हैं। वैसे तो मुल्तान को आम का बगा, आम के बगात का शहर कहते हैं, लेकिन जनूबी पंजाब और पंजाब के जो भी इलाके हैं वो आम के लिए मशहूर हैं और इसका आम जो है वो बहुत ज़बरदस्त लजीज होता है। ये देखें, दूसरी साइड पे हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ भी ज़बरदस्त फ्रूट लगा हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे फ्रूटिंग लगी हुई है और पत्तों के अंदर भी काफ़ी फ्रूट लगा हुआ है और इस साइड पे भी काफ़ी फ्रूट लगा हुआ है।